इस वक्त हम लोग नगीना लोकसभा सीट पर है और नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद की खूब चर्चा हो रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ खुद चंद्रशेखर आजाद है, क्योंकि अगर हम नगीना सीट की बात करते हैं तो 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस वक्त प्रचार कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और भीड़ की तस्वीर देखिए आप, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद ये भी कह रहे हैं कि वो नगीना सीट इस बार जीत रहे हैं। अब बातचीत भी कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे प्रचार अभियान, क्योंकि हम पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से समर्थन जो है वो आपको मिल रहा है। चुनाव प्रचार तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जन समर्थन तो पहले दिन से था। यहाँ की जनता बार बार वोट देती रही और ठगी जाती रही। तीन बार में तीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पार्टियों के बनाए। इस नगीना के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। अगर किसी ने कुछ सोचा होता तो आज नगीना के हालात नहीं होते। अभी हम नूरपुर में हैं और 5 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में हैं। बहुत बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं। बिजनौर के लोग पूरे देश में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। रोजगार करने के लिए पूरे देश में जाना पड़ता है। अपने माँ को, पिता को, बच्चों को, पत्नी को, बहनों को छोड़ के आप देश भर में इसलिए रोजगार के लिए गए हैं क्योंकि यहाँ सरकार ने रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की। महंगाई तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, बेरोजगारी राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, लेकिन यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ खो की समस्या है, यहाँ गुलदार की समस्या है। ना चाहे स्कूल हैं, ना कॉलेज हैं, ना यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना मेडिकल कॉलेज हैं, ना स्पोर्ट कॉलेज हैं, ना स्पोर्ट यूनिवर्सिटियाँ हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि यहाँ लोगों की तरक्की के रास्ते आसान हो सकें। और सरकार झूठे वादे करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ये गुंडागर्दी करने पर उतारू है, लेकिन जनता के हक अधिकार की जब बात आती है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो क्या चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना सीट पर समाजवादी पार्टी और बसपा को चुनौती मानती है, मानते हैं आप चुनौती? इनके इनके हौसले देख के तो नहीं लगता। बता, तुम्हारी टक्कर में कोई है? एक बार कैमरा दिखाइए रोहित, आप कैमरा दिखा रहे रोहित तस्वीर। चुनाव चंद्रशेखर आजाद नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव नगीना की जनता लड़ रही है और अपने लिए लड़ रही है कि उनको इस क्षेत्र में बदलाव चाहिए। और मैं नगीना की जनता को वचन दे कहता हूं कि 24 घंटे 7 दिन नगीना के लोग किस तरह से रोजगार प्राप्त करें, किस तरह से जुम जाति खत्म हो, किस तरह से नए अवसर पैदा हो, मील का मामला हो जो पैसे नहीं देती, या और जो गुंडागर्दी सरकार कर रही है, इन सब पे लगाम लगाने के लिए हम 24 घंटे 7 दिन मेहनत करेंगे। सर, अगर हम नगीना सीट की बात करते हैं तो बसपा यहां से जीती हुई है 2019 में, क्या काम लगता है आपको कि बसपा पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं उनकी तरफ से नहीं किया गया है, जो चंद्रशेखर आजाद जीत कर आएंगे अगर तो करेंगे? मेरी छोड़ो, आप इनसे पूछो, क्या भाई पिछले वाले एमपी पार्षद ढूंढे मिले? जो आदमी मिला ही नहीं वो काम क्या करेगा? देखो, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए जिससे कि यहाँ के लाखों नौजवानों को रोजगार मिले। बताओ, लगना चाहिए? लगना चाहिए। यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। यहाँ और पर्यटन के क्षेत्र बन के रोजगार के साधन पैदा होने चाहिए। ये बहुत स्वाभिमानी लोग हैं नगीना के। ये बिजनौर जिला बड़ा स्वाभिमान जिला, हर आदमी को इज्जत देता है, लेकिन ये ठगा गया है। इनका जो कर्ज है उस कर्ज को उतारने के लिए चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए नगीना पहुंचे हुए? यस, ये बताओ बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और सरकार की जो गुंडागर्दी चल रही है खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आज किसी दफ्तर में चले जाओ बिना पैसे के काम नहीं होता। और अगर इस तरह का सलूक करते हैं जनता से जैसे गुलाम, ये गुलामी की बेड़िया काटने की जिम्मेदारी नगीना के लोगों ने उठा ली है। जनता मालिक है और जनता इज्जत रखती है, उनके साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। जो सरकारी योजना जिनमें लूट खसोट चल रही है वो लूट खसोट बंद होगी और अंतिम व्यक्ति को भी रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। जिस तरह से अब तक 11 साल से सड़कों पे दहाड़े हैं, जिस तरह से हर व्यक्ति के, चाहे पहलवान बेटियां हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे नौजवानों के हक अधिकार का आंदोलन हो, चाहे उत्तर शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण में लूट किया भाजपा ने, कोई ऐसा आंदोलन हो जिस तरह सड़कों पे लड़े, इस तरह पार्लियामेंट में लड़ेंगे जनता के लिए।
चंद्रशेखर जी, हमने देखा दिल्ली में भी कि चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, आप वहां जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे, और जब भी किसानों की बात करें तो हमने आपको गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखा था पहुंचे हुए। तो ऐसा लगता है कि जब भी नगीना का कोई मुद्दा होगा तो आप सड़कों पर होंगे, इनके साथ होंगे। आपको गुलदार का मामला याद है? 25 लोगों की जान गई। कितने लोगों की? 25। कोई नेता का बेटा नहीं था, कोई अधिकारी का बेटा नहीं था, कोई बहन भी नेता के परिवार से अधिकारी के परिवार से नहीं थी। इसलिए 25 लोगों की जान जाने पे भी निकम्मी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। जब हमने पूरे दिन धरना दिया तब जाके इनकी आंख खुली, तब 5-5 लाख रुपए का मुआवजा कर दे रहे हैं। आप बताओ, क्या गरीब की जान कीमत 5 लाख रुपए है? ये जो अहंकार है सत्ता का, ये घमंड भी टूटेगा। इस बार नगीना में टूटेगा और 27 में उत्तर प्रदेश में टूटेगा, याद रखना। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, प्रचार अभियान किया गया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और आप यहां पर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जिस तरह से यहां पर बड़े बड़े नेता पहुंच रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे, प्रचार किया गया, क्या लगता है क्यों यहां पर बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं? ये पूछ रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का भी 1 लाख से ज्यादा वोट जो बीजेपी को देता आया मजबूरी में, वो भी चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है, इसलिए बेचारे आ रहे हैं। सुनिए, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साके, जाट, गुजर, चौहान, त्यागी, तमाम जातियों का, वाल्मीकि, तमाम जातियों का वोट, और मुस्लिम समाज पलके बिछा के प्यार दे रहा। मैं इस कर्ज को जिंदगी भर उतारूंगा, मेरी बात को याद रखना। और फिर कह रहा हूं, याद रखना, टूरिज्म चल रहा है, कोई आ जाओ, क्या किसी के आने जाने से फर्क पड़ता है? इनसे पूछो जो पैसा देके मेहनत की कमाई का चुनाव लड़ा रहे, इनसे पूछो, उनके चेहरों से पूछो। ये ठगे गए हैं और मैंने तो बहुत सहा है, जितनी मेरी उम्र नहीं इससे ज्यादा मुकदमे लगाए सरकारों ने मेरे ऊपर। मैंने 16 महीने जेल काटी, मुझे तिहाड़ में डाला गया, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मेरे नाखून खींच ले गए, 250-250 लाठियां एक बार में मारी गई। मैं लाठियों से नहीं डरता, मैं तो इनके भोलेपन से डरता हूं। ये वोट हम पे एकमात्र हथियार है, इस हथियार से हम कितने बड़े तानाशाह को जमीन पर पटक सकते हैं और अपने कमजोर भाई को भी पार्लियामेंट भेज सकते हैं। वोट हथियार है हमारा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बताओ ये पैसे पे बुलाई भीड़ तो नहीं है? किसी से पैसा लेके तो नहीं आए? मोहब्बत में आए हो ना? ताकत बनाने आए हो ना? ये जन सैलाब इनकलाब है, ये मजलूमों का, कमजोरों का, गरीबों का इनकलाब है, और ये इनकलाब ऐसा सैलाब बनेगा यहाँ से कि अच्छे अच्छे लोगों की कुर्सियां हिल जाएगी, चिंता मत करो। चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि बीजेपी डरी हुई है इसलिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, समाजवादी पार्टी डरी हुई है इसीलिए अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच के प्रचार कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगता है, चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि बीजेपी डरी है इसलिए मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी डरी हुई है इसीलिए अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे प्रचार करने के लिए? सावधान सावधान। अब कोई किसी की झूठी बातों में नहीं आएगा। देखो अभी आखिरी 2 दिन कोहो बहुत साजी से होंगी, तमाम झूठ परोस हो जाएंगे, तमाम बुराइयां, तमाम सब कुछ होगा, लेकिन याद रखना मेरे खून का एक कतरा इस जनता के सम्मान में हमेशा रहेगा, मेरी बात को आप याद रखना। और नगीना के लोगों, मैं सेवा तो देश भर की करता हूँ, नगीना के लोग मेरे हमेशा शर्माते रहेंगे, इस बात को आप याद रखना। जिस तरह से माँ की सेवा की जाती है, ये मेरी कर्म भूमि है, माँ की तरह से इस क्षेत्र की सेवा करूंगा और विकास के चरम पे लेके जाऊंगा, विकास के रास्ते पे। आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद, चुकी इससे पहले 2022 में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन चुनाव हार गए थे, इस बार लगता है कि नगीना सीट आप जीतेंगे? एक दो सवाल और बस है। ये 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, करो या लड़ो, जैसी स्थिति है चंद्रशेखर आजाद के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। कब 19 आए और कब ये ईवीएम का बटन ऐसे ऐसे दबाए कि जिस तरह भाजपा ने जो चोट दी, एक एक चोट का हिसाब वोट से कर लें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्योंकि मुझे जाना है और ये परमिशन का आप क्या सवाल कर रही थी? सुनिए, ये जनता है, जिसके साथ खड़े होते वही ताकतवर हो जाता है। मैं तो 2022 नहीं, मैं तो 11 साल से लड़ रहा हूँ
और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक इस देश में सामाजिक गैर बराबरी खत्म नहीं होती, धार्मिक गैर बराबरी जो आज पैदा की जा रही है वो खत्म नहीं होती, और जब तक गरीब अमीरों जैसी सुख सुविधा नहीं लेता तब तक लड़ते रहेंगे हम लोग। 19 में आप लोग साथ थे, रालोद भी साथ में थी, समाजवादी पार्टी भी साथ थी, आपने कोशिश भी की कि गठबंधन हो जाए, लेकिन क्या वजह रही कि गठबंधन नहीं हो पाया साथ में? एक मिनट चुप हो जाओ, एक बार तस्वीर दिखा देते, तस्वीर दिखा दीजिए आप, एक मिनट दे दो मेरे भाइयों, आप तस्वीर देखिए, अब जवाब देंगे, अब चंद्रशेखर आजाद जवाब देंगे। यहाँ तीन अलायंस लड़ रहे हैं, पहला एनडीए अलायंस जिनकी केंद्र में और स्टेट दोनों में सरकार, दूसरा इंडिया अलायंस जो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कुछ बने, और तीसरा जनता अलायंस जो नगीना की जनता मिलकर लड़ रही है। बताओ कौन जीतेगा, बताओ निशान क्या है आपका, बताओ निशान क्या है आपका, और ना हम सफर से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का काटा हम ही से निकलेगा। ऐसा इनकलाब पैदा होगा यहाँ से कि भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। यहाँ तक जिस दिन मजबूर और मजलूम इकट्ठा हो गए, जिस दिन मजबूर और मजलूम इकट्ठा हो गए, किसी की हैसियत नहीं होगी किसी गरीब पे आंख उठाने की, याद रखना मेरी बात को। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त चंद्रशेखर आजाद दिख रहे हैं, और 19 अप्रैल को चुनाव होना है, 4 अप्रैल को साफ हो जाएगा कि नगीना सीट पर कौन जीत कर आता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, नगीना।